नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु जैन और आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं रैंडम वेरिएबल चैप्टर से। देखिए, क्वेश्चन कुछ ऐसे है। द डायमीटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक केबल से एक्स इज अज्यूम टू बी ए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल विद पी डी एफ एफ एक्स इज इक्वल टू 6x 1 माइनस एक्स 0 एक्स 1। देन क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि ए चेक दैट अबव इज पी डी एफ और बी डिटरमाइन अ नंबर बी सच दैट पी एक्स इज लेस देन पी इज इक्वल टू पी इज एक्स इज ग्रेटर देन बी। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे आप फंक्शन देख सकते हैं। फंक्शन हमें ये कुछ एफ एक्स इज इक्वल टू 6x 1 माइनस एक्स दिया है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहला क्वेश्चन है कि द चेक अबव इज पी डी एफ। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना रहता है कि इंटीग्रल 0 to 1 एफ एक्स इज इक्वल टू 1। ये जो है हम द प्रोबेबिलिटी ऑफ इज ऑलवेज 1, तो हम इसको हमेशा इक्वल 1 रख देते हैं। और इंटरवल जो है हमें 0 से 1 के बीच में हमें दिया हुआ है। फंक्शन जो दिया है हमें 0 से 1, ये हमारा इंटरवल दिया है। और एफ एक्स जो कि 6x 1 माइनस एक्स, ये हमारा फंक्शन है, इज इक्वल टू 1। अब जो है हम इसको सॉल्व करेंगे, तो फंक्शन जो दिया था हमें, इसमें से 6 जो है हमें बाहर आ गया है, 0 1 x 1 माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ पे सिंपल सा एक इंटीग्रल हमें करना होगा, जिसके तो जिसे इंटीग्रल नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंटीग्रल के लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स क्यू अपॉन 3 0 to 1, ये हमारा इंटीग्रल हो गया। अब इसके बाद हम इसमें 1 और 0 पुट कर देंगे, सो हमारा आंसर जो है कुछ ऐसे आ जाएगा 1/2 - 1/3 इज इक्वल टू 1। देन 1/6 इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 = 1। इससे ये प्रूफ होता है कि हमारा जो पी डी, जो हमारा फंक्शन है, ये एक पी डी एफ है। दूसरे क्वेश्चन में जो पूछा था, वो पूछा था कि डिटरमाइन अ नंबर बी सच दैट पी एक्स इज लेस देन बी एंड इज इक्वल टू पी इज ग्रेटर देन बी। इसका सॉल्व करने के लिए हम जो है, हमें लिमिट्स जो कि दी है यहाँ पे, बी हमारी जो है बी इज ग्रेटर देन अपर लिमिट में आएगी, और जो कि हमें गिवन थी 0 to 1 लिमिट, इस हिसाब से जो हमारी लोअर लिमिट होगी वो 0 होगी, 0 to b एंड एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इस हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से जो लोअर लिमिट है वो हमारी b होगी और अपर लिमिट जो हमारी 1 होगी एफ एक्स डी एक्स। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे रख देंगे 6x 1 - x, ऐसे यहाँ पर 6x 1 - x डी एक्स। अब यहाँ पे इसको करने के लिए फिर हम सिंपल सा इंटीग्रल करेंगे, x² / 2 - x³/3, ये हमारा इंटीग्रल की वैल्यू है जो हम, और इसके बाद 0 to b जो हमारा लिमिट दी थी, इसके बाद जो कॉमन था 6, यहाँ पे भी 6 कॉमन था, वो जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, x² / 2 x³/3 लिमिट जो दी है यहाँ पे p(2, 1), अब 6 कैंसिल आउट हो गया है यहाँ पे, उसके बाद हम इसको लिमिट को रख देंगे, तो b² / 2 b³/3 इज इक्वल टू 1/2 - 1/3 -
1 of b square upon 2 minus b cube upon 3, ये हमारी लिमिट हो गई। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4b क्यूब माइनस 6b स्क्वायर प्लस 1 हमारा जो है, इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद हमें कुछ ये इक्वेशन मिलेगी। उसके बाद हम इसमें से इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए हम जो है, जो हमारा फैक्टराइजेशन होगा कुछ इस तरीके से होगा, 2b माइनस 1, 2b स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन में अगर प्रॉब्लम आती है, इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना सकता हूँ, इसके लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब हम जो है, 2b माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2b स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखने के बाद हमारी जो b की वैल्यू होगी वो होगी हमारी 1.2। ये जो है हमारी वैल्यू होगी। ये क्वेश्चन अब यही ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। अगर आप कोई भी और दूसरे वीडियो रिलेटेड टॉपिक्स पे हमें वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।